अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बहुत मज़े की रेसिपी बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं टर्किश रेसिपी विद होममेड फिलो शीट्स, दैट नेम इज टर्किश बोरक। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेडी करेंगे इसकी स्टफिंग। तो इसके लिए हम 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके। इसे इतना फ्राई करेंगे कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी इसका कलर थोड़ा वाइट सा हो जाए। अब इसमें डाल देंगे 250 ग्राम चिकन का कीमा। आप चाहें तो चिकन की जगह बीफ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे इतना फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक ये व्हाइट ना हो जाए। फिर इसे कवर कर देंगे। जब तक चिकन ड्राई हो रहा है, तब तक हम जो पोटैटोज हैं, आलू हैं, उनको ग्रेट कर लेंगे या तो मैश कर लेंगे। तो 3 मीडियम साइज के लेंगे आलू। उसको आप मैश कर लें या तो ग्रेट कर लें। अच्छे से हमने इनको मैश कर लिए। चिकन का पानी खुश्क हो चुका है, अच्छे से चिकन कुक हो गया है और वाइट भी हो गया है। तो इसमें डाल देंगे ये मैश किए हुए पोटैटोस। इसकी स्टफिंग बहुत मजे की बनती है, लाइट सी बनती है। तो आप फिलो पेस्ट्री के अलावा भी इसको ब्रेड के अंदर भी ऐड करके टोस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर चेक करें आप, कितना स्मूथ है। आपने सेम ऐसे ही आलूओं को मैश करना है। इसमें डाल देंगे नमक हस्बे जायका। इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ये जितनी आपको पसंद है। इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून यानी आधा चाय का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें। आप चाहें तो इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसके अंदर चिली फ्लेक्स और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे आप मिक्स कर लें। अब स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, इसे साइड पे कर देंगे। अब हम बनाएंगे फिलो शीट्स। इसके लिए लेंगे 3 कप मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लोर या रिफाइंड फ्लोर। अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून यानी चाय का चम्मच नमक। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर यानी 1/2 चाय का चम्मच। इसमें डाल देंगे 1/2 कप ऑयल। इसमें ऐड करेंगे 1 लार्ज साइज का एग यानी अंडा। इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैंने लिया है 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून नीम गरम पानी। इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप नीम गरम दूध और सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। कवर कर देंगे और छोड़ देंगे रेस्ट पे। अब इसके हम पोर्शंस बना लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी सी डो गूंदी है। आपने भी सेम ऐसे करना है। इसके हम 3 पोर्शन बना लेंगे और इनके 4 हिस्से कर लेंगे, यानी हमें इस डो के 12 पोर्शन बनाने हैं। इक्वल साइज के, तो ये देखें। तो अब हम एक एक करके 1 बाय 1 इसको हम
रोटी की तरह फैलाते जाएंगे। सबसे पहले आप लें एक बाउल के अंदर 3/4 कप कॉर्न फ्लोर यानी कॉर्न स्टार्च। इसमें डाल दें 3 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा। इसे कंबाइन कर लें, मिक्स कर लें। अब आपने सेम इसको ऐसे ही रोटी की तरह बेल लें, मगर आपने इसकी थिकनेस जो है, इसकी जो मोटाई है, आपने वो बहुत बारीक रखनी है। ये देखें, अब इसको हम रख देंगे साइड पे, किसी काउंटर टॉप पे या किसी ट्रे में या फ्लैट प्लेट पे, किसी भी जगह पर आप इसे साइड पे रख लें। और इसी तरह 1 by 1 हम बनाते जाएंगे, 6 के हम 2 सेट बनाएंगे। ऐसे ही हम 6 रोटियां बनाकर इसके ऊपर रख लेंगे। ये देखें, 6 रोटियां बिल्कुल रेडी हैं। अब हम डस्ट करेंगे कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को और इसे अगेन बेलेंगे। ये देख लें, हमने इसको इतना बेल लिया है। अब हम सब रोटियों को निकाल लेंगे और इनके सेंटर में कॉर्नफ्लोर के एक लेयर लगा देंगे, डस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो 1 by 1 एक एक बनाकर सेपरेट रखते जाएं, या तो इकट्ठे उठाते जाएं। इसकी थिकनेस बहुत कम होनी चाहिए। ये देखें, अब इसको हम अगेन रोल कर लेंगे। तो ये देखें, अब ये बिल्कुल रेडी है फिलो शीट्स। आप इसे घर में बनाएं और एंजॉय करें। अब इसे हम देखते हैं कि हम इसे रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में कैसे स्टोर कर सकते हैं। दो हम लेंगे बटर पेपर शीट्स, इसके ऊपर रखेंगे और अगेन बटर पेपर से इसे कवर करेंगे इस तरह। हल्के हाथों से इसको फोल्ड करते जाएं। अब आप चाहें तो इसे किसी क्लिंग फिल्म में या क्लिंग रैप में रैप कर लें, तो या तो इसको आप किसी कंटेनर में रख के, किसी बॉक्स में रख के स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम इसे रेडी करेंगे। ये देखें, इसमें से हम 3 शीट्स निकालेंगे। इसको स्ट्रेट कर लेंगे यानी इसकी कटिंग कर लेंगे साइड से। इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इन सबको आप रोल करें, इसमें फिलिंग ऐड करके इसे बेक कर लें या स्लाइटली फ्राई कर लें। इस पे हम ड्रिजल कर देंगे बटर यानी पिघला हुआ मक्खन। इसमें ऐड कर देंगे फिलिंग। और ऐसे इसको फोल्ड करते जाएंगे। इसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे और फ्राई पैन में रख देंगे, हल्का सा ऑलिव ऑयल या कुकिंग ऑयल डाल के। ऐसे ही एक और रोल बना लेंगे।
और यहाँ पर इसके एंड कॉर्नर पे हल्का सा पानी लगाकर ब्रश करके इसे सील कर देंगे, यानी यहाँ से बंद कर देंगे। इसे कवर कर लेंगे और कुक कर लेंगे 15 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब इसे हम किसी प्लेट से या लिड से इसे टर्न कर लेंगे। अब इसे हम यहां से 10 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। ये देखें कितना क्रिस्पी है। अब ऑयल लगा लें या बटर लगा लें। अब इसे हम यहाँ से भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें अब इसे हम डिश आउट करेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।